गाइस साइलेंस। वीडियो भूमि पर हिंदी में राइट। हाँ तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है मेरे साथ और उनके साथ सबके साथ। इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से होना पड़ा क्योंकि अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइन डे के लिए मिले हैं एक्सेट्रा। मैं आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश पड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पड़े, मैं चला नहीं रही थी। 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हैं, इतने सालों में बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले एक महीने पहले जब तक हम चंडीगढ़ में थे तो उसके बाद अगर मैं कितना बोलूँ मैं कितना नहीं बोलूँ बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड हुई हूँ बोल पाई हूँ वो नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली करण हैज बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल जो मुझे नहीं पता था एंड अचानक मैंने उनको देखा जो भी मेरा काम के ज्यादा डिटेल्स मैंने डिस्कस करना तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में लड़की है। मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशन या ऐसे कुछ भी है क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये कभी होता है विद इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ वाइल यू कैन नो आई लव समवन एल्स आई बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विद हर। मतलब कहाँ से लड़की कब मिले आप इसको तुमसे तो दिल्ली से और जब जब कभी चंडीगढ़ जाते थे शो के लिए जो कि वो हर अक्टूबर से जाने लगे हैं नए शो के लिए तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर जा सके। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद मुझे बहुत ही बड़ा न्यूज़ था कि आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स पर लाइट होंगी पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ। तब उन्होंने ये सब बोला मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई। मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह गई 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे क्योंकि काफी छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट। मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ उस रिश्ते में या यू नो तो ठीक है यू नो वील वर्क ऑन इट। मैं वापस चली जाऊंगी और करण भी फायदे हुए आए थे मेरे साथ उस दिन मैं चली गई थी तो वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ। हमारी बात भी सही लाइक सर मुझे सपोर्ट नहीं मिला मैं वापस आई। उसके बाद फिर करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जो किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक यू ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट। उसका करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले आई मेड अ व्हाट्सएप जस्ट फॉर मी एंड करण फॉर द लव प्रोजेक्ट। बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूं या ये कहां पे ये चीज गलत हुई है। नहीं सुने नहीं सुने करण बिहेवियर ओवर द इयर्स इन द लास्ट 14 इयर्स दिस इज नॉट न्यू क्योंकि उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी अदर गुडी टू शूज जो भी इमेज बट इट्स डिफिकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं यू नो ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है। तो मैंने कहा ठीक है यू नो इट्स ओके और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है यू नो शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन बिकॉज आई एम अ स्ट्रांग वुमन ऑफ द 21st सेंचुरी आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स आई टॉक अबाउट
यू नो सो मेनी थिंग्स ऑन माय सोशल मीडिया आल्सो दैट सपोर्ट्स मदरहुड, यू नो मॉम शेमिंग, या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए. कई बार मुझे लगा कि इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट ओके. निशा कल रात को क्या हुआ उसके बारे में? सी देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व, जब पता है अपना काम करना है और अंदर किसी बात करना चाहिए.